मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की गैर मौजूदगी रही, जिस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधा, जहां गृह मंत्री ने कहा कि बिना सेनापति के कांग्रेस विधायकों पर क्या बीतेगी, यह वही बता सकते हैं। कमलनाथ पहले भी सदन की कार्यवाही को बकवास बता चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह को अपना मित्र बताते हुए कहा कि उनके अनुभव का लाभ कांग्रेस विधायकों को मिलेगा। आपको बता दें कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आज विधानसभा सत्र का पहला दिन है, जहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं हो रहे हैं। खुद को संसदीय कार्य का मर्मज्ञ बताते हैं, उन्हें संसदीय कार्य का लंबा अनुभव है, ऐसे में बिना सेनापति के कांग्रेस विधायक क्या करेंगे। वहीं आगे नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ ने बड़ी सदन में संसदीय कार्य संभाला है, वह खुद कहते हैं कि संसदीय कार्य में उन्हें PhD है। इसके बाद भी पहले दिन की कार्रवाई में ही वह शामिल नहीं हो रहे हैं। गृह मंत्री ने कहा कि कमलनाथ पहले भी सदन की कार्यवाही को बकवास बता चुके हैं, अगर कमलनाथ ही बकवास बताएंगे तो जनता भी इसे बकवास ही समझेगी। जो सुविधाएं कमलनाथ को मिल रही हैं, विधानसभा कोई सीमेंट गारे से बनी हुई इमारत नहीं है, लोकतंत्र का मंदिर है, यदि उसकी कार्यवाही को बकवास बताएंगे तो जनता भी उन्हें क्या समझेगी। गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष के रूप में आज कार्यवाही में शामिल होंगे। इस पर कहा कि नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का स्वागत है, वे मेरे मित्र हैं और 1990 से वो सदन के सदस्य रहे हैं, उन्हें लंबा राजनीतिक अनुभव है, उनके अनुभव का लाभ कांग्रेस के विधायकों को जरूर मिलेगा। क्या कहें उनके लिए, अपने आप को संसदीय ज्ञान का मर्मज्ञ बताते हैं, कहते हैं मेरी PhD है, मैं संसदीय कार्य मंत्री रहा हूं, बड़े सदन का रहा हूं। प्रारंभ वाले ही दिन अनुपस्थित, पता नहीं कैसा लगेगा कांग्रेस के विधायकों को कि सेनापति ही नहीं। जनहित से जुड़े मुद्दे उठाने में कभी रुचि कांग्रेस और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की रही ही नहीं है। स्वागत है उनका, मेरे मित्र हैं और काफ़ी वरिष्ठ विधायक हैं, 1990 से हम साथ में हैं और निश्चित रूप से वो अच्छे संसदीय कार्य मंत्री भी रहे हैं और सदन के अच्छे ज्ञाता भी हैं, सदन को लाभ मिलेगा।